वाइल्ड हैबिटेट में जो है वो बहुत ही बच गए, हमला हो गया भाई बिलाल के ऊपर, नाखून ना चुभ जाए। ओ भाई, तो आज जू में बहुत ही खतरनाक जानवर के साथ एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा। ऐसा व्लॉग मैंने कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि जानवर जो है नॉर्मली पेट नहीं होता, इसे घर में नहीं रखना चाहिए और ये मुर्दा जानवरों को खाता है भाई। ये ऐसा जानवर है तो बहुत ही खतरनाक जानवर हमारे पास कहाँ से है, हमारे पास ये रेस्क्यू होके आया। स्टोरी में बाद में सुनाता हूँ कि आया कहाँ से। फिलहाल जब मैं यहाँ पे नहीं था इस जू में, तब ये पीछे से यहाँ पे रेस्क्यू होके आ गया। अब हमारे लिए चैलेंज ये बन चुका है कि उसको एक केज से दूसरे केज में ले जाना, और वो जानवर क्या है, उस जानवर का नाम है गिद्ध। वो बैठा हुआ है अंदर, बहुत ही बड़े साइज का है, उसका एक पर जो है अराउंड 4 फुट। अब उसको पकड़ने के लिए हमारी स्पेशल टीम आ चुकी है, उसके लीड कर रहे हैं मिस्टर बिलाल, और दस्ताने वस्ताने भाई पहन के आए हुए हैं उसके पंजे, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं। और भाई ये क्या नुकसान कर सकता है, ये बहुत नुकसान कर सकता है, ये मार भी सकता है जान से। जी जान से मार सकता है ये। तो भाई तो मुर्दा जानवरों को खाता है, शिकार थोड़ी करता है, ये मार के खाएगा ना भाई। ये सही ले आया, कह रहा मार के खाएगा, नहीं नहीं जख्मी कर सकता है, इसके नेल्स होते हैं, इसकी चोट होती है, अल्लाह ना करे आँख वाँख में लग सकता है। बिलाल पागल बना रहा है, दस्ताने वस्ताने उठा लो भाई, और इस पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। इसका साइज बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। अच्छा ये पहले मैं बता दूं, जानवर भाई पालने वाला नहीं है, हमारे पास रेस्क्यू का है। बराए करम इस तरह के जानवर आपने नहीं पालने, और अगर किसी ने रखा हुआ है तो उसको भाई हमसे रब्ता करें, हम उसको आज़ाद करवाएंगे। और ये भी रेस्क्यू का है इंशाल्लाह, जैसे पहले भी हमने बहुत सारे एनिमल्स यहाँ से रिलीज किए हैं और उसकी वीडियोस डाली, तो इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो वेरी सून अपलोड करेंगे। चले जी चलते हैं। हाँ तो जी, हमने सोचा कि पहले गिद्ध को पकड़ के यहाँ लाने से बेहतर है कि गिद्ध का केज जो है वो पहले से रेडी कर लेते हैं, थोड़ी सफाई वफाई कर ली। इसके अंदर पहले हमारे जो है खरगोश हुआ करते थे, खरगोशों को हम अभी यहाँ से हटा रहे हैं, उनको निकाल के हमने वहाँ पिंजरे में रखा है, और वहाँ से अब ये जाएंगे एक दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आने वाला है गिद्ध का केज, गिद्ध के केज को कर रहे हैं हम रेडी। यहाँ पे एक लकड़ी लगाने की जरूरत है, तो एक लकड़ी मंगवाते हैं और अभी वो यहाँ पर लग जाएगी। मैं वहाँ पर एक बड़ा सा तना नजर आया है, क्योंकि हमारे पास जो पुराने दरख्त अगर गिर जाते हैं तो हम उसकी जो तने होते हैं संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें काम आते हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे से तने पड़े हुए, इनमें से कोई एक अच्छा सा तना उठाते हैं जिसको हम रख सकें, ताकि गिद्ध जो है बहुत आराम से बैठ सके। ये वाला शायद बेटर है। ये जी तना उठा लिया हमने और चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। ये अली 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 थक गया है, क्या हुआ भाई। ये हम जा रहे हैं। हाँ भाई, चिटिंग की है तूने, हल्का वाला अपनी तरफ रखा है, बारी वाली साइड इसने अली को दे दी है, गलत है यार। हाँ ये जबरदस्त आ गया भाई। हाँ भाई ऐसे ये जबरदस्त तरीके से रख दिया है। हाँ ये तना बिल्कुल बेहतरीन है, और इसके ऊपर आराम से बैठ जाएगा, और इसके ऊपर बैठने के लिए और भी जगहें भी है, ठीक है। हाँ भाई साथियों तैयार हो, चले भाई। डंडा क्यों लेके जा रहा है भाई, डंडे का क्या काम है भाई, कितना बड़ा साइज है ये देखें जी, कितना बड़ा साइज, आराम से इसको जख्मी भी नहीं करना है हमें जी। बिस्मिल्लाह, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ इसको हमें पहुँचाना है। एक मिनट, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, इसको जख्मी भी नहीं करना है, उड़ नहीं जाइए। चले जी आ गया अपने नए केज में, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको छोड़ें, और उसके खाने का हमें बड़ा खास ख्याल रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये अभी इस वक्त डर गया है, घबरा गया है। हाँ ये देखें साइज़ देखें कितना बड़ा है, ये देखें साइज़ कितना बड़ा है। अच्छा मैं आपको बता नहीं सकता, ये दिख छोटा रहा है कैमरे में, लेकिन ये ह्यूज साइज का है, और ये देखें जरा ह्यूज साइज का है। हाथ में बैठ जाता है क्या बिलाल, बैठा के देखो भाई। ये बहुत ही ह्यूज साइज का एक वल्चर है, जिसे उर्दू में गिद्ध कहते हैं, मुर्दा जानवर को खाते हैं। साइज आपको ऐसे अंदाजा होगा कि अब मैं इसके बराबर में बैठूंगा, तो ये देखें मैं बैठा हूँ, मेरा कद देखें और इसको देखें जरा, और इसके विंग्स बहुत बड़े बड़े हैं, और ये बहुत ही अच्छा। ये रात को जब आया था तो बच गया भाई, ओ बैठ गया भाई, देखो इसको इससे कितनी पसंद आई। मैंने इसीलिए ये तना लगवाया था कि इसको ये जो है ना पसंद आएगा, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे बैठते हैं पहाड़ों वगैरह पे, तो इसी टाइप, इसलिए मैंने ये पिंजरा जो है वो चूज किया था, खरगोशों को मैंने इसीलिए लगाया। बहुत ही बड़े साइज का है ये, और भाई साइज देखे माशाल्लाह, ये आके इस तने पे बैठ गया है। और ये एनिमल जो है कभी भी पेट नहीं रखना चाहिए, इसे हमने रेस्क्यू किया, और इनकी वाइल्ड हैबिटेट में जो है वो बहुत ही बच गए, हमला हो गया भाई बिलाल के ऊपर, नाखून ना चुभ जाएगा इसको। ओए बच गया, लगी तो नहीं, अबे लग गई भाई इसको यार, क्या हो कई बार पे लग गई,
अनिल का चश्मा टूट गया भाई, ये देखो भाई अनिल का चश्मा टूट गया। तुम्हें तो नहीं लगी? लग गई है कहाँ हुआ? ये लगी है नाखून। अरे यार इसको डॉक्टर साहब इसको चेक करें यार, तुम्हारी आंख पे कहाँ लगी है? यहाँ बांस लगा है। अच्छा तुम्हें बांस लगा और तुम्हें नाखून लगा, तुम्हारा तो भाई प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। और डॉक्टर साहब के हाथ में, बिलाल साहब के हाथ में एक चाबी थी, ये इतना डर गए उन्होंने चाबी उगर के उछाल दी और छत पे जाके चाबी जाके गिरी है। रिजवान अभी लेने गया, रिजवान चाबी दिखाओ यार। डॉक्टर बिलाल भाई आप तो बाहर खड़े थे, इतना डरने की क्या जरूरत थी यार? ये देखें ये यूं करके खड़े हुए थे चाबी पकड़ के और देख रहे हैं जैसे कि दूर, इन्होंने यूं किया सीधा चाबी ऊपर। और ये देखें भाई, भाई अपनी चाबी जरा संभाले और इतना नहीं डरे। और ये हमारा बर्ड है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ये फिट फाट हो जाएगा, इसको हम रिलीज बैक करेंगे और उसकी भी वीडियो डालेंगे। हमारे जो डॉक्टर्स हैं इसको चेक कर रहे हैं। और इस तरह के एनिमल्स अगर अल्लाह ना करे कहीं पर होते हैं, तकलीफ में होते हैं यार, हमें मुझे यूट्यूब पर कमेंट करें, मैं आपसे रब्ता करूँगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जो हेल्प हो सकेगी हम करेंगे इन जानवरों के लिए, क्योंकि इनका वाइल्ड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुर्दा जानवरों को खाते हैं और ये सफाई का काम करते हैं। जैसे हमारे किसी सोसाइटी में स्वीपर का होना ज़रूरी है, उसमें मेरी सांस फूली हुई, लिटरली वीडियो बंद करनी पड़ गई थी। ये बहुत ह्यूज फ्लाई कर रहा था और उसके पर भी ऐसे कि बहुत ज़ोर से पड़ते हैं और नाखून भी खतरनाक, तो उनका हमारे इकोसिस्टम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुर्दा जानवर को खा के साफ करता है, अगर जंगलों में मुर्दा जानवर ऐसे ही मरे हुए पड़े होंगे तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ हो जाएंगी, कैसे कैसे वायरसेस पैदा हो जाएंगे। तो ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है हमारी इस दुनिया का। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, हमारी जो देखते हैं आप लोग सब, आपका थैंक यू, और इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।